हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एचएससी स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेफ्टी स्टीवर्ड के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में, यानी कि उसके ड्यूटीज के बारे में। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि सेफ्टी स्टीवर्ड यानी कि क्या होता है उसके बारे में। तो सेफ्टी स्टीवर्ड, जिसे एचएससी स्टीवर्ड या फिर ईएचएस स्टीवर्ड भी कहा जाता है, तो ये जो सेफ्टी स्टीवर्ड है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है अनसेफ कंडीशंस को आइडेंटिफाई करने के लिए। साथ ही साथ वो रिस्पॉन्सिबल होता है वर्कर्स लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए कि कंस्ट्रक्शन साइट पर इन्वायरमेंट, हेल्थ और सेफ्टी को वहां पर मेंटेन करना है उसके बारे में। तो इंडिविजुअल जो भी सेफ्टी स्टीवर्ड होता है उसके पास अच्छा नॉलेज होना चाहिए, वो भी सेफ वर्किंग प्रैक्टिसेस का। अब मैं आपको यहां पर एक बात बताना चाहूंगा कि ये जो सेफ्टी स्टीवर्ड होता है, तो इसकी जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये डिपेंड होती है कि आप कौन से ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, क्योंकि किसी किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो है सेफ्टी स्टीवर्ड की अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है। चलिए अब जानते हैं कि सेफ्टी स्टीवर्ड की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है उसके बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट है कि साइट पर मॉर्निंग में काम शुरू करने से पहले जो भी टूल बॉक्स टॉक मीटिंग होती है, तो उसको वहां पर मॉनिटरिंग करना है जो भी रिलेटेड वहां पर स्पेसिफिक जॉब हो उसके बारे में। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि पीपीएस का या फिर जो सेफ्टी डिवाइसेस है उसका सही तरीके से वहां पर इस्तेमाल किया जा रहा है क्या, वो भी एज पर वर्किंग कंडीशंस के अनुसार, तो उसको भी वहां पर इंश्योर करना और वो चीज प्रोवाइड करना, ये भी उसकी जिम्मेदारी होती है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि डेली सेफ्टी इंस्पेक्शंस हो, तो उसको जो है रेगुलर बेसिस के ऊपर कंडक्ट करना, वो भी उसकी जिम्मेदारी होती है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि जहां पर भी ऐसा जॉब होता है कि जिसका हजार्डस जो है वो वहां पर नेचर होता है, तो उसके जॉब हजार्ड एनालिसिस को आइडेंटिफाई करना, ये भी उसका काम होता है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि सेफ्टी कंप्लायंस जो रिपोर्ट है, तो उसको प्रिपेयर करना और सबमिट करना, वो भी क्लाइंट को, साथ ही साथ कंसल्टेंट को, वो भी टाइम टू टाइम, वो भी उसकी जिम्मेदारी होती है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि जो भी सेफ्टी टीम मेंबर्स है, तो उनको हैंडल करना और उनको गाइड करना, वो भी एज पर साइट रिक्वायरमेंट्स, तो वो भी उसकी जिम्मेदारी होती है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि सभी जो मेजर एक्टिविटीज है उन सभी का रिस्क असेसमेंट वहां पर एनालिसिस करना, वो भी उसकी जिम्मेदारी होती है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि जो सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स है और उसके जो भी कंप्लायंसेस है उसको मॉनिटरिंग करना, वो भी टाइम टू टाइम, वो भी उसकी जिम्मेदारी होती है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि वीकली सेफ्टी जो इंटरनल रिव्यू मीटिंग होती है, तो वो सारे टीम मेंबर्स के साथ में जो है वहां पर कंडक्ट करना, वो भी उसकी जिम्मेदारी होती है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि सेफ्टी एनालिसिस जो मीटिंग है उसमें भी पार्टिसिपेट करना, वो भी उसकी जिम्मेदारी होती है। और फिर उसके बाद का पॉइंट है कि सेफ्टी रिपोर्ट को प्रिपेयर करना, या फिर एक्सीडेंट हो या फिर इंसिडेंट जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है उसको प्रिपेयर करना, वो भी कंसर्न डिपार्टमेंट के साथ में, वो भी उसकी जिम्मेदारी होती है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा सेफ्टी स्टीवर्ड के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।